हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आ रही है। यहां पर दोस्तों, एक बोर्ड ने अपनी कट ऑफ कम करके डीवी की यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट जारी कर दी है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर गाइज स्टूडेंट ही नहीं है, मतलब जो फिजिकल क्वालिफाइड जो कैंडिडेट ना, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या दोबारा से रेलवे यहां पर फिजिकल करवाएगी? इससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाए। और ये वीडियो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेलवे भर्ती के सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये खबर बताऊं, मैं आपको दो बोर्ड की तरफ से और अपडेट आ रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा, है ना। तो पहले उन अपडेट को देख लेते हैं, छोटी छोटी अपडेट है, और उसके बाद में फिर ये जो नई डीवी की लिस्ट निकली है इसके बारे में आपको बताता हूं। यहाँ पर जो पहली खबर निकल के आ रही है वो आपके वेस्टर्न रेलवे यानी कि आपके जो अहमदाबाद बोर्ड है, इसकी तरफ से आ रही है कि यहाँ पर दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेवेंथ फेज चल रहा है, जिसमें गाइज 67 कैंडिडेट हैं, है ना, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है ना। सातवीं लिस्ट यहाँ पर निकली थी, तो उनमें से गाइज 33 कैंडिडेट हैं जहाँ पर एबसेंट थे। सो गाइज इनको फिर से डीवी का नया मौका दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट है, ध्यान रखना, यहाँ पर एबसेंट हो गए थे, 33 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर दोबारा मौका दिया गया है। 18 मार्च 2021 को वो दोबारा से यहां पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। रेलवे की तरफ से यहां पर अपडेट आया गया है। तो ये आपका पहला अपडेट था जहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है अहमदाबाद बोर्ड की तरफ से, वहां पर गाइस जहां पर 67 कैंडिडेट का, उनमें से 33 कैंडिडेट यहां पर एब्सेंट हो गए थे, तो रेलवे ने इनको दोबारा से मौका दिया है कि आप अपना दोबारा, ये लास्ट मौका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 मार्च 2021 को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला अपडेट। के पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आ रहा है, जबलपुर की तरफ से। अब यहां पर गाइस क्या हुआ था कि रेलवे ने 3 कैंडिडेट थे जिनको यहां पर दोबारा से मेडिकल अपील करने के लिए बोला गया था, तो इन्होंने आपके जब अप्लाई किया तो इनको दोबारा से मेडिकल किया गया। तो मेडिकल में इनका जो रिजल्ट है उसके लिए अपडेट डाला गया है कि 3 कैंडिडेट है जिनको गाइस पहले यहां पर C1 दिया गया था, अब इनको C1 दिया गया है। पहले B2 एंड ब्लो दिया गया था, अब B2 एंड ब्लो दिया गया है। पहले ये जो कैंडिडेट थे इनको B2 एंड ब्लो दिया गया था, और अब भी B2 एंड ब्लो दिया गया है। तो ये आपका दूसरा अपडेट था जहां पर आपके वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, इन्होंने जो आपका मेडिकल एग्जाम हुआ था उसका रीमेडिकल प्रोसेस था, उसका रिजल्ट यहां पर अनाउंस किया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जो आपके नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की गई है। गाइज ये अपडेट निकल के आ रहा है आपके जो प्रयागराज यानी जिसे पहले अलाहाबाद नाम से जाना जाता था, अलाहाबाद बोर्ड ने गाइज यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थर्ड लिस्ट एक लंबे इंतजार के बाद यहां पर जारी कर दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट थे गाइज, मेरे कमेंट आ रहे थे सर कब आएगी, तो मैंने आपसे बोला था भाई जब भी आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा सबसे पहले। तो यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों आपको बोला गया है कि हमने ग्रुप डी यानी कि CA नंबर 2/2018 के तहत यहां पर गाइज आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाई थी, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में हमने टोटल 14,288 लोग, है ना, जिनमें आपके नॉन PWD हैं सारे के सारे यानी कि जो विकलांग हैं उनको छोड़कर, उनके गाइस हमने फिजिकल करवाया, और जो फिजिकल करवाया था उसमें गाइस यहां पर जो 14,288 थे, गाइस आप देखिए सबसे कम जो फिजिकल में पास हुए थे ना, इसी बोर्ड से हुए थे, मतलब मात्र 8,144, जबकि गाइस फिजिकल में लगभग 90% हमारा जो बोर्ड था ना नॉर्थ वेस्ट रेलवे, है ना, जो आपका हमारा जो जयपुर बोर्ड था उससे 90-95% लोग यहां पर जो मेडिकल थे उसको आपका जो आपका फिजिकल था उसको पास किए थे, लेकिन यहां पर गाइज 14,000 में से मात्र आपके 8,144 लोगों ने यहां पर आपका जो फिजिकल हुआ था उसको आपके पास किया था। आगे देखिए, ये जो कैंडिडेट थे इनको गाइज यहां पर 4,571 कैंडिडेट हैं, इनको यहां पर पहले ही सेलेक्ट किया जा चुका है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सक्सेसफुल हो चुका है, और इनको ज्वाइनिंग भी रेलवे ने दे दी है। इनमें से आपके जो 4,571 थे, जब इनको मेरिट के आधार पर बुलाया गया तो गाइज इनमें से 485 कैंडिडेट थे वो मेडिकल में बाहर हो गए, या वे एब्सेंट हो गए, या ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो 485 गाइज यहां पर वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। सो गाइज यहां पर देखिए 360 पद UR के हैं, OBC के 70 कद आपके पद बाकी हैं, आपके SC के 45 हैं, और ST के 10 पद यहां पर खाली थे। सो गाइज यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो UR के कैंडिडेट हैं गाइज, उनका फिजिकल के लिए एक भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, मतलब एक ऐसा भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है जिसका फिजिकल कंप्लीट हो। अब बताइए, ये बहुत अच्छी बात है गाइज, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है भाई, 3 गुना कैंडिडेट बुलाए, एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको रेलवे दोबारा बुलाना चाहे। सो गाइज ये जो भर्तियां हैं
360 हो सकता है कि रेलवे यहाँ पर दोबारा फिजिकल करवाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि नई भर्तियां चल रही हैं तो हो सकता है कि इनको यहाँ पर बैकलॉग कैटेगरी में डाल के और नई भर्तियां चल रही 2019 वाली उनमें ऐड कर दें। सो गाइस यहाँ पर जो बच गई पोस्ट आपके ओबीसी की 70, एससी की 45 और आपके जो एसटी की 10, इनको मिलाकर टोटल 125 पोस्ट हो गई। तो इनका यहाँ पर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है और इनका 15 मार्च 2021 से और 19 मार्च 2021 तक इनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। बहुत ही अच्छी कमाल की खबर है गाइज। इनकी यहाँ पर देखिए कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। ओबीसी के मार्क्स यहाँ पर 73.95 है, एससी के 65.97 है और एसटी के यहाँ पर 56.17 है। आगे बोला गया कि जो भी कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर देखिए आपको वेबसाइट दी गई है www.rrcald.org। मैं आपको जब आपके जो जॉइनिंग आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इनके जब एडमिट कार्ड आएंगे तब भी आपको अपडेट कर दूंगा। आपको बोला है कि यहाँ आप जब भी डेट दी गई है उस डेट को आप उससे 4 दिन पहले अपने इको लेटर है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बोला गया है कि कोई भी आपको कोई भी अपडेट आएगा वो गाइस जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इन पर आपको बताया जाएगा। आगे बोला गया है कि जो कैंडिडेट हैं उनको 15/3/2021 से और 19/3/2021 तक यहां पर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको यहां पर बता रखे हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा डीवी मेडिकल का किस किस प्रकार से होता है। तो यहां पर आपको देखिए जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आपको एनसीबीटी होती है वो आपका जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी से हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट ओबीसी से हैं तो, और अगर यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर में नहीं आते क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट है वो, अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई भी राजकीय सेवा करते हैं एनओसी आपको चाहिए वहां से और आधार कार्ड की आपको दोनों तरफ की कॉपी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर विकलांग है पीडब्ल्यूडी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर एनओ सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गाइस वीडियो बना रखा है, अगर आप उसको देखना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा। और आपको कम से कम 8-10 आपकी फोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज, आपके मूल आवेदन आपने जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था भाई आपकी एग्जाम होती है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है ना एडमिट कार्ड का वो आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, वैसे वो मान जाएगा लेकिन फिर भी गाइस आपको ध्यान रखना है आपके पास होने चाहिए। आपको यहां पर गाइस सोच समझ के इन डॉक्यूमेंट को रखना चाहिए। आगे यहां पर आपका जो फिजिकल हुआ था उसका जो निचले का हिस्सा है वो आपको चाहिए। सो गाइस यहां पर बोला गया कि जो डीवी में एब्सेंट रह जाएंगे उनको गाइस दोबारा से कोई मौका नहीं दिया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और गाइस दूसरे दिन आपका मेडिकल यहां पर होने वाला है तो आपसे निवेदन किया जाता है कि आप 3 से 4 दिन यहां पर रुकने की व्यवस्था की जाए। आगे यहां पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ये एक ही चरण होने वाला है। देखिए आपको बोला गया है कि ये आपका एक चरण है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये नहीं कि आपको ज्वाइनिंग दे ही जाएगी, क्योंकि आपको बताया गया है यहाँ पर जो कैंडिडेट होते हैं वो मेडिकल में बाहर सकते हैं डीवी में बाहर सकते हैं, इसलिए गाइस यहाँ पर बोला जाता है कि आपको डीवी के लिए बुला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम आपको ज्वाइनिंग ही देंगे। अब उन कैंडिडेट की लिस्ट देख लेते हैं जिनको यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है गाइज यहाँ पर वेबसाइट पर डाली गई है। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट हैं जिनको गाइज 15 तारीख को बुलाए गए हैं ये अपने नाम और अपने एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर डाला गया है। ये यहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट हैं गाइज, है ना, और ये जो कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 16 तारीख को बुलाया गया है। यहाँ पर देखिए 25 25 है ना, 25 25 के ग्रुप में कैंडिडेट को बुलाया गया है। ये 17 तारीख को बुलाए गए कैंडिडेट हैं, ये आपके 18 तारीख को बुलाए गए कैंडिडेट हैं और मैक्सिमम आपके ओबीसी के हैं, ये आपके 19 तारीख को बुलाए गए कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार से गाइज एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। और जो यूआर की सीट बच गई गाइज उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके हो सकता है कि यहां पर फिजिकल करा ले जाए, लेकिन संभावना थोड़ी कम होती है, बट अगर रेलवे चाहेगी तो आपका फिजिकल दोबारा से किया जा सकता है ना, ऐसा हो सकता है दोबारा से आपका जो फिजिकल है फिजिकल एग्जाम यहां पर हो जाए। तो गाइज ऐसे ही रेलवे संबंधित अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी आपका डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं गाइज आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।